बोलो आपकी टेस्ट हुई है एंड यू जस्ट हैड अ काउंसलिंग, तो व्हाट यू वांट टू से अबाउट इट? हाँ, मैं इससे सेटिस्फाइड हूँ और जो कुछ भी आपने बताया मैं उसको याद रखूँगी और फॉलो भी करूँगी। मतलब ये पॉजिटिव है कि मतलब तुमको अपने बारे में मेरी क्या स्ट्रेंथ है, मेरी क्या वीकनेस है वो मालूम चला है, तो जो फील्ड मेरे को मालूम चला है स्ट्रेंथ है वो अच्छा है मेरे लिए, और जो वीकनेस है उसमें मैं मतलब कोशिश करूँगी कि इम्प्रूव करूँ ये करके। हाँ, जो हमको कंसर्न है कि अभी और अब बेनिया ने पता भी होगा थोड़ा, तो अभी उसको इम्प्रूव कैसे करने का उसका एक रास्ता मिल गया ना। और एज अ पेरेंट आपको उसकी चिंता मत करिए, आप पहले इधर बताइए एज अ पेरेंट आपको क्या लग रहा है? नहीं, मुझे भी लग रहा है, मैं मतलब मैक्सिमम उसका जिसका जिस टाइप की पर्सनालिटी थी वो तो थोड़ा बहुत मुझे आइडिया था। मैंने अभी जैसे है कि अभी एकदम क्लियर हो गया पॉइंट ना, पहले से ऐसा लगा था कि शी इज लाइक शाय इंट्रोवर्ट है, सामने नहीं जाती है अपना, और शी इज राइट और लेकिन वो बोल नहीं पाती है। तो ये भी मैंने बहुत बार उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी कि अगर हमको किसी को नहीं बोलना है तो यू शुड लर्न, नहीं बोलना सीखना है। दूसरा कोई बोला कि ये करो तो नहीं, जब अगर तुमको लगता है कि वो नहीं करना चाहिए तो तुमने बोला चाहिए नहीं ये मुझे पसंद नहीं मैं नहीं करूँगी। मतलब नो बोलना भी सीखना चाहिए, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अगर आपको सर्वाइव करना है। तो ये मैंने वो दो तीन जो पॉइंट्स है उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी। अब वो है कि वो सिचुएशन के हिसाब से कैसे अडॉप्ट करती वो उस पे है। नहीं, शी इज़ वेरी अडॉप्टेबल ना, वो भी तो उसका एक गुड पॉइंट। नहीं बोलना है, नहीं बोलना बहुत ज़रूरी है, कभी कभी जहाँ ज़रूरी है वहाँ बोलना ही है, ऐसा मैंने उसको मतलब किया था एक्सप्लेन थोड़ा बहुत। नहीं, ट्रू, बिल्कुल ट्रू। और अब तो वो सीख जाएगी नियारी का, उसको पता चल गया ना कैसे करने का, बिकॉज अभी तो लाइफ चैलेंजेस चालू हो गया, इट्स जस्ट अ स्टार्ट। बस सभी चीज़ को मतलब ना बोलना नहीं है, लेकिन जो नहीं है अपने को लगता है कि अपने हिसाब से राइट नहीं है उसको नहीं बोलना ज़्यादा ठीक है, अपने लिए, भले वो दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ भी हो, अपने लिए नहीं बोलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और पर्सनल गाइडेंस वाइज कुछ बोल रही थी नियारिका, लेकिन कभी कभी नहीं बोल पाती हूँ, कभी नहीं बोल पाती, तो इसमें क्या ये हो जाता है, नहीं बोल क्या कर सकते हैं? हम सीखेंगे ना अभी, हम एक अच्छा सा रीज़न, हम जो सोच रहे हैं ना जिस चीज़ के लिए हमको नहीं बोलना है वो कम्युनिकेट, हमारा एक्सप्रेशन है, चिट्ठी लिख दो उसको, लिखना अच्छा है ना तो लिख दो, चलो बोलना नहीं आता सीधे मैसेज कर दो कि भाई ऐसा ऐसा है ना, एटलीस्ट यू कैन फाइंड आउट अ न्यू वे ऑफ एक्सप्रेशन एक्सप्रेस। अब तो व्हाट्सएप की स्माइली भी आ गया एक्सप्रेस कर दी एक्सप्रेस ना, तो तुम तो उसमें अच्छी हो, हाउ टू एक्सप्रेस है ना, एंड यू आर वेरी हैप्पी विथ वॉट एवर हैज कम अप एंड विद द काउंसलिंग। यस, एंड मम्मा व्हाट शी वांट्स टू से? मतलब मैं इसलिए थी, इसलिए मैं लेके आई उसको, एंड फ्रॉम द वेरी फर्स्ट सेशन ओनली आई थॉट ऑफ गोइंग दैट टेस्ट। So, फिर भी अगर अगली बार अगर जैसे काउंसलिंग होती है अगर आपके साथ अगर आप कर दो, तो अगर मेरा ओपिनियन है कि जैसे कि अगर बच्चा ही अकेला रहे तो ठीक है। नहीं, वो प्लान है, अभी तुम लोगों को जल्दी है इसलिए, वरना वो भी रहता है, और वो मेरा प्लान था ही कि बच्चा अकेला और पेरेंट्स अकेले। हाँ, मतलब वो जैसे मम्मी के सामने नहीं बोल सकती कुछ चीज़ें, तो वो एक्सप्लेन कर सकती है उस चीज़ को। नहीं, मुझे इवन आपसे भी अकेले में बात करनी थी, लेकिन अभी यू सेड यू वांट टू गो, तो नेक्स्ट वीक में से बोल रही है आप, वही वही नेक्स्ट वीक में, इसीलिए नेक्स्ट टाइम का एक शेड्यूल रखा हुआ, क्योंकि हम लोग फिर बाकी चीज़ों को कॉम्प्रेस नहीं ज़्यादा कर पाते, तो फिर ठीक है, कम ऑन, वी कैन गिव टू वन मोर सेशन, ठीक है, चलो, थैंक यू।